हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडिशन विद विकास। जैसा कि आपको पता है, बीएससी सेमेस्टर वन की मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स बुक चल रही है, और उसके पार्ट वन मैथमेटिकल फिजिक्स की हम वेक्टर एलजेब्रा नाम की यूनिट पढ़ रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए, आज ही चलते हैं जरा। टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वल वेक्टर। यानी इक्वल वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, देखिए यहां पर हम वेक्टर्स बोल रहे हैं, यानी दो वेक्टर की बात करेंगे। और इक्वल और ओपोजिट तो हम दोनों ही बता सकते हैं, क्योंकि देखिए इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है। यानी अगर हम कहें आपसे कि ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो इनकी यदि लेंथ यानी इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी लेंथ भी सेम है, तो इनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दोज वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। यानी ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं, उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। दो वेक्टर मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ये इक्वल है तो इनकी जो डायरेक्शन है और जो इनका मैग्नीट्यूड है, देखिए जैसे इसका नाम लिख देते हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनके मैग्नीट्यूड और इनकी जो डायरेक्शंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट नहीं, मोस्टली, मतलब सेम ही होने चाहिए, तभी वह इक्वल वैक्टर्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब दूसरा देखते हैं। पैरेलल वेक्टर, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, पैरेलल का जो मतलब होता है वो होता है समांतर। यानी अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अगर दो वेक्टर बिल्कुल समांतर हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यानी दो वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं हम, एक वेक्टर ये है जिसका नाम है ए और इसको बी हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इनकी लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, चलेगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे ऐसे देखिए, ये अगर मान लीजिए वेक्टर है, ये यहां से आता है इसका मैग्नीट्यूड जिसको हम लेंथ बोलते हैं, ये इसका हेड मान लीजिए और ये इसकी टेल मान लीजिए, तो अगर हम देखें तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। यानी इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, जीरो डिग्री एंगल। अगर दो वेक्टर्स के बीच में जीरो डिग्री एंगल है, या दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही जैसी है, एक ही कोऑर्डिनेट्स में है, तब उनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दोज वेक्टर, वेक्टर्स लिखेंगे क्योंकि दो की बात होगी, विच हैव सेम डायरेक्शंस कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। और एक नोट अगर इसमें हम लिख सकते हैं क्या, कि द एंगल बिटवीन देम इज जीरो डिग्री। यानी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जीरो डिग्री का एंगल होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों का वर्किंग एरिया एक तरफ, मतलब वर्किंग एरिया यानी वर्किंग डायरेक्शन एक तरफ होनी चाहिए कि किधर वो अप्लाइड हो रहे हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, दोनों के बीच की जो एंगल है वह जीरो डिग्री है। ठीक है,
ठीक है बच्चों। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर आता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर है हमारा यूनिट वेक्टर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम एकांक सदिश। वेक्टर्स को तो सदिश ही बोलते हैं, एकांक। देखिए यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड यानी जिनका रिजल्ट और जिनका आंसर जो है वो ऑलवेज वन होता है, चाहे वो कुछ भी है, डायरेक्शन उनकी कुछ भी हो। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है एकांक सदिश, यानी एकांक से ही हमको पता चल रहा है कि ये एक है, यानी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है, यूनिट होता है, वो यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं या यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। देखिए जरा, द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड या रिजल्ट जो है वो यूनिट होता है, एकांक होता है, एक होता है, क्या कहलाते हैं बच्चों? कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। अब इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट वेक्टर का, वो आमतौर पर वेक्टर से अलग होता है। तो इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हमको क्या लगाना पड़ेगा, जैसे हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं, जो एक जनरल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, उसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी और उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? कैप लगाना पड़ेगा। देखते हैं जरा कैसे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इज पुट कैप अबव देम, यानी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर हम कैप लगा देंगे तो वह यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो जैसे देखते हैं, लेट अस कंसीडर ए वेक्टर ए, यानी एक वेक्टर मान लेते हैं ए है, देन इट्स यूनिट वेक्टर इज डिफाइन एज, यानी मान लो एक वेक्टर है ए, एक क्वांटिटी है ए है, और उसका जो वेक्टर है वो ए कैप है, वो ए वेक्टर है, तब हम उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे वो एक हम फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक क्वांटिटी, इसके ऊपर अगर कैप लग गया तो ये यूनिट वेक्टर बन गया, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। देखिए बच्चों, यहां मैं आपको बता देता हूं, ए एक क्वांटिटी है और अगर उसके ऊपर कैप लगा हुआ है तो इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है, और इसके ऊपर अगर हमने एरो लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पर ये जो मोड है, इस मोड का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मोड। अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मोड से हमारा जो मतलब होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मोड है, यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अगर हम मोड लगाएंगे तो वह बन जाता है ए। ए क्या था अपने आप में? स्केलर क्वांटिटी थी बच्चों। क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। समझ गए आए होगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ओपोजिट वेक्टर, ओपोजिट वेक्टर्स, यानी ओपोजिट वेक्टर क्या है? ओपोजिट वेक्टर वो वेक्टर है, और देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और डायरेक्शन का मतलब यहां पर ये हो रहा है कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है, सेम हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी डायरेक्शन हमेशा ओपोजिट होनी चाहिए। अगर एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वेक्टर माइनस एक्स डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है
और एक दूसरा वेक्टर है, और दोनों की जैसे कि मैग्नीट्यूड से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शंस क्या है, ओपोजिट डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओपोजिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, देखते हैं जरा, दोज वेक्टर्स विच हैव ओपोजिट, यानी ओपोजिट का बिल्कुल मतलब है विपरीत, यानी उनकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अगर एक वेक्टर एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो दूसरा उसका जो वेक्टर है, जो ऑपोजिट वेक्टर है, वो माइनस एक्स में होना चाहिए। अगर कोई वेक्टर वाई डायरेक्शन में अपवर्ड है, तो दूसरे वेक्टर को डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर होना पड़ेगा। तो दोज वेक्टर्स विच हैव ओपोजिट डायरेक्शंस कॉल्ड ओपोजिट वेक्टर्स। यानी अगर हम इसका एग्जांपल देखें, तो इसका एग्जांपल क्या है, लेट अस कंसीडर, भाई ओपोजिट वेक्टर्स बता रहे हो तो कम से कम आपको दो वेक्टर्स तो बताने पड़ेंगे, दो वेक्टर्स तो रिवील करने पड़ेंगे। तो हम आमतौर पर ए और बी ही वेक्टर मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड वी वेक्टर। तो अगर वो अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो उनकी जो डायरेक्शंस होंगी वो ओपोजिट होंगी, मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है इस तरह से, और एक दूसरा वेक्टर है इस तरह से, बी वेक्टर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का जो एरो हेड है, वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है बच्चों, इसकी डायरेक्शन को। तो इसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है और इसकी इधर है, तो इसका मतलब इनको क्या बोलते हैं हम, ओपोजिट वेक्टर। अच्छा, खास बात, इनके बीच में एंगल कितना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। देखिए जरा, अब ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। तो कल भी हमने आपको बताया था कि एक लाइन का जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। देखिए ध्यान से, यानी अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, वो ऐसे 0 डिग्री, ये परपेंडिकुलर कंडीशन 90 डिग्री। और एक लाइन जब बन जाती है, जब दोनों अपोजिट हो जाते हैं, यानी कल भी कहा था आपको कि जब एक वेक्टर को 180 डिग्री रोटेट करते हैं, एक वहां एक वेक्टर था तो वह डायरेक्शन बदली थी और मैग्नीट्यूड सेम रहा था, लेकिन यहां पर है ही अपोजिट वेक्टर्स, तो यानी 180 डिग्री तो घुमन होगा ही। लेकिन खास बात क्या है कि कल जो था वो एक ही वेक्टर था, उसको रोटेट कर रहे थे, तो उनका मैग्नीट्यूड सेम रह रहा था लेकिन उनकी डायरेक्शन बदल रही थी। लेकिन आज जो है ओपोजिट वेक्टर्स है, इसका मतलब दो वेक्टर्स है, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है। तो कितना एंगल है बच्चों इनके पास, 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, नोट कर लेते हैं इसमें, द एंगल बिटवीन ओपोजिट वेक्टर्स इज 180 डिग्री। नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और भी तरह के वेक्टर्स हैं हमारे, तो अब जो वेक्टर है फिफ्थ नंबर वेक्टर है आई होप शायद, तो देखते हैं फिफ्थ नंबर का वेक्टर कौन सा है, नंबर फाइव, फिक्स्ड वेक्टर। देखिए बच्चों, कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है या कोई भी क्वांटिटी है, उसके दो एंड्स तो होते हैं, दो सिरे तो होते हैं, एक सिरा उसको हम टेल कहते हैं, दूसरे सिरे को हम हेड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, यानी कहीं पर बंधे हुए होते हैं, कहीं फिक्स होते हैं, उन वैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, फिक्स वैक्टर। यानी दोज काइंड ऑफ वैक्टर्स, या दोज वैक्टर्स विच जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे फिक्स वेक्टर कहलाते हैं। जरा देखते हैं, द वेक्टर होज, होज मतलब जिसका, वेक्टर होज
इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर, यानी ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स होता है, हमेशा एक पॉइंट से फिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वेक्टर। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, ऐसे कौन से वेक्टर हैं, दिमाग में तो आना चाहिए कि वेक्टर बहुत सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है फिजिक्स में, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, और वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इस तरह की क्वांटिटीज बहुत सारी, स्केलर्स भी है, बहुत सारी वेक्टर्स भी है। अब हम बार बार ये टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एग्जांपल होगा इनका। तो बच्चों फिक्स वेक्टर का जो एग्जांपल होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि आप जब भी किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताते हो तो उसे हम हमेशा ओरिजिन से बताते हैं। कहने का मतलब कि ए वेक्टर इज प्लेस्ड, ए वेक्टर इज सिचुएटेड या ए वेक्टर इज प्लेस्ड एट एक्स डायरेक्शन बाय 5 मीटर, यानी 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में है। तो अब जो हमने बताया है, उसकी जो डिस्टेंस बताई है, यानी पोजीशन है जो इसकी 5 मीटर डिस्टेंस बताई थी, वो हम ओरिजिन से काउंट करते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल होता है बच्चों, वो इसका एग्जांपल होता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब जैसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं, ये उसकी एक्स डायरेक्शन है और ये है वाई एक्सिस या वाई डायरेक्शन, और ये जो है वो जेड डायरेक्शन है, और ये इसका क्या बोलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर है या एक पार्टिकल है P, उसकी पोजीशन को हम किस तरह से दिखाते हैं बच्चों, इस तरह से, इस तरह से। यानी एक पार्टिकल है कहीं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मान लीजिए वो यहां रखा हुआ है, तो उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा कहां से बताई जाती है, ओरिजिन से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में पार्टिकल P था जिसकी पोजीशन जो है वो R वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप देखें जरा, हमेशा अगर मान लीजिए इसकी पोजीशन अगर बदल भी जाए, मान लीजिए Q पहुंच जाए, लेकिन इसकी पोजीशन फिर भी आपको कहां से बतानी पड़ेगी बच्चों, हमेशा ओरिजिन से बतानी पड़ेगी। यानी इस वेक्टर की पोजीशन कुछ भी रहे, मतलब सॉरी, इस पार्टिकल की पोजीशन कहीं भी चली जाए, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, हमें इसकी पोजीशन को हमेशा कहां से बताना होगा, यहां से बताना होगा, ओरिजिन से बताना होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फ्री वेक्टर, यानी फ्री वेक्टर क्या है, अब जैसे हम देख पा रहे हैं फिक्स वेक्टर वो है जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स होते हैं, फ्री वेक्टर वो होंगे जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होते। देखते हैं उनके एग्जांपल भी क्या है, यानी अगर मैं डेफिनेशन पे ध्यान दूं तो, यानी ऐसे वेक्टर या वो वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, फ्री वेक्टर्स। और फिक्स वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वेक्टर या दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर फ्री कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। अब ये क्या बात हुई बच्चों, यानी इनके इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या है, यानी कहना चाह रहा है कि ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट जो है वो फ्री है वो फ्री वेक्टर कहलाते हैं। अब फिजिक्स में जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फिक्स्ड वेक्टर्स की हैं, और कुछ जो है आपकी फ्री वेक्टर्स की है, कुछ जो है एग्जाम्पल है वो ओपोजिट वैक्टर्स के, कुछ पैरल वैक्टर के, कुछ इक्वल वैक्टर्स के हैं। तो जैसे कि फिक्स वैक्टर क्या होता है, पोजिशन वैक्टर, क्योंकि किसी भी वैक्टर की, किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन हमेशा उसकी ओरिजिन से बताई जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, ये पार्टिकल जो है वो यहां से यहां आ गया, तो देखिए उसका फाइनल पॉइंट जो है ये, देखिए फाइनल पॉइंट बदल गया, यानी फाइनल पॉइंट उसका यहां से यहां आ गया, लेकिन इनिशियल पॉइंट अभी भी कहां पर है, वहीं पर है। इसका मतलब कि फिक्स वेक्टर में कभी भी हमारा जो है इनिशियल पॉइंट बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। अब फ्री वेक्टर्स में क्या है जरा देख लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल, कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं एक्स वाई और जेड। तो अगर मान लीजिए पार्टिकल है P,
पी, तो उसकी पोजीशन आप यहां से बताएंगे। मान लीजिए एट ए टाइम आर वन वैक्टर है, फिर से हम देख रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट तो फिक्स है, फिलहाल तो दिख तो ये भी रहा है कि अभी फाइनल पॉइंट फिक्स है, लेकिन कुछ समय बाद मान लीजिए कि उसकी जो पोजीशन है वो क्यू हो गई, तो उसकी जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो कितना हो जाएगा, आर टू हो जाएगा। तो अभी भी हम देख रहे हैं, देखिए आप देख लीजिए, इस अगर पहली पोजीशन पे उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के दोनों फिक्स है पोजीशन वेक्टर के, लेकिन जैसे ही उस पार्टिकल की पोजीशन पी से क्यू हो गई किसी दूसरे समय में या थोड़ा आगे बढ़ के, तो उसका देखिए जो सेकेंड पॉइंट है फाइनल पॉइंट वो चेंज हो गया लेकिन इनिशियल पॉइंट वही रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर्स आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स वेक्टर। तो फिर फ्री वेक्टर का एग्जांपल क्या है, देखिए अभी बताते हैं। जैसा कि हमको पता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स, दो पार्टिकल्स या दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। इसका मतलब क्या है कि फ्री वैक्टर का जो एग्जाम्पल है वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए मैं यहां भी लिख देता हूं कि वेयर आर वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड आर टू वेक्टर इज ऑल्सो नहीं लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू एंड डेल्टा आर जो है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बेटा जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक पार्टिकल था जिसकी पोजीशन पी थी और उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो आर वन है और क्यू का जो है क्यू जो वही पार्टिकल है अब क्यू टू पोजीशन पे आ गया तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर टू है। अब जैसे कि हमको पता है, सबको पता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो बॉडीज के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए फ्री वेक्टर का जो एग्जांपल है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए यहां पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स है लेकिन फाइनल जो है वो यहां से पी से क्यू आ गया, तो इसका मतलब ये फिक्स वेक्टर का एग्जांपल है पोजीशन। लेकिन फ्री वेक्टर जो है, अगर मान लीजिए क्यू यहां पहुंच जाए या पी जो है वो यहां पहुंच जाए, तो अब जरा अगर मान लीजिए फिर से मान लो यहां पे जो है हमारा पी पहुंच गया और क्यू हमारा थोड़ा और आगे शिफ्ट हो गया, तो इसका देखिए इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा, ये फाइनल यहां पहुंचेगा, इसका इनिशियल फिक्स रहेगा, फाइनल यहां पहुंचेगा। लेकिन इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले इस पॉइंट पे था, दूसरा फिर यहां था, लेकिन अब जो है बदल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आर द एग्जांपल ऑफ फ्री वेक्टर। चलिए बच्चों उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों हम ये बार आज कल से मतलब दो बार से बच्चों जैसे कि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर वो क्वांटिटी है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो हम अगर हम कल से हम एक बात पढ़ रहे हैं या मतलब पिछले टॉपिक से हम ये बात पढ़ रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो है जिनमें डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड का तो चलो आपको सबको पता है कि उनका जो रिजल्ट है, जो उनका आंसर है वो मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, यानी अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है या एक्स एक्सिस में प्लेस्ड है, तो आप क्या कहेंगे कि द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल इज 2 मीटर एट एक्स एक्सिस, मतलब कि किसी पार्टिकल की पोजीशन एक्स है। जैसे मैं दिखाता हूं तुमको, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये मान लीजिए जेड। अब मान लीजिए पार्टिकल है वो पी पॉइंट पर है और एक्स एक्सिस में उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 2 मीटर है, तो आप क्या कहेंगे उसको कि इसकी जो डिस्टेंस है यानी जो इसकी पोजीशन है वो आप ऐसे लिखेंगे क्या, पोजीशन या 2 मीटर एट एक्स एक्सिस, इस तरह से लिखना पड़ेगा भाई। मतलब तो वही हुआ कि किसी पार्टिकल की पी की अगर आप पोजीशन बता रहे हैं तो आप यही तो कहेंगे कि 2 मीटर, फिर से 2 मीटर माना है एट एक्स एक्सिस, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड आपको बताना पड़ेगा और आपको डायरेक्शन को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवेल करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। या अगर मान लीजिए कि दूसरा कोई पार्टिकल है क्यू, वो यहां रखा हुआ है 2 डायमेंशंस में एक्स और वाई में, तो मान लीजिए एक्स में कितना मीटर है, 1 मीटर कंसीडर कर लो,
और y में जो है वो 2 मीटर। तब इसकी पोजीशन को क्या बताओगे, इसकी क्या कैसे बताएंगे कि 1 मीटर एट x एक्सिस एंड 2 मीटर एट y एक्सिस। तो ये तो बहुत मतलब गलत बात है, अच्छा भी नहीं लग रहा देखने में। तो इसीलिए डायरेक्शन को शॉर्ट में लिखने के लिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए जरा, अब हम देख लें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यहां पे कहेंगे क्या कि दोज 7 नंबर, दोज वेक्टर्स या दोज यूनिट वेक्टर्स, दोज यूनिट वेक्टर्स विच एक्स, एक्स मतलब कार्य करना वहां पर, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, कौन कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड, यानी दोज यूनिट वेक्टर्स विच एक्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यानी ऐसे यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन बताते हैं, ऐसे यूनिट वेक्टर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग एक्स होते हैं, कार्य करते हैं, उनकी डायरेक्शन बताते हैं, ऐसे वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। चलिए देखते हैं, मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लूं तो ये एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो, ये वाई एक्सिस कर लीजिए और इसको हम बोलेंगे जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर वर्क करता है, एक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और वाई एक्सिस में जो होता है उससे हम प्रदर्शित करते हैं बेटा जे से। और जेड एक्सिस में जो होता है, यानी जेड एक्सिस में, उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। यानी इनके ऊपर कैप लगाना बहुत आवश्यक है। कैप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बच्चों इसका नाम ही है क्या, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में है, अब तो हम बोल देंगे कि उसकी डिस्टेंस बोल देंगे कि 2 मीटर और उसके साथ में आई लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि हाँ कि दैट पार्टिकल, उस जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी पोजीशन की मैग्नीट्यूड 2 है और वो एक्स डायरेक्शन में है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग, इधर ही लिख देते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस वो है हमारा आई। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस वो होता है जे, उनके ऊपर क्या लगाएंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के जो अलोंग होगा उसे हम के से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 8, कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा, 3 एक्सिस होती हैं, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड। तो अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं, देखिए ये आपके एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई और ये जेड। तो ये जो फिगर होती है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 3D होते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस को कंसीडर कर रहा हूं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो इसे ये हो जाएगा एक्स और वाई। यानी मान लीजिए एक पार्टिकल यहां रखा बिल्कुल बीच में, फिर से मान लीजिए ये यहां रखा इस तरह से। तो अगर हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि वो पार्टिकल एक्स में भी प्रेजेंट है और वाई में भी, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो पार्टिकल कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करता है, एक्स और वाई में। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 डायमेंशंस को मिलाकर के एक प्लेन बनता है। अब मान लीजिए पार्टिकल यहां रखा है, यहां, तो अगर हम देखें तो एक्स इसमें जेड डायरेक्शन में भी है और इधर वाई डायरेक्शन में भी है। तो इसका मतलब वो पार्टिकल कहां एग्जिस्ट कर रहा है, वाई जेड डायरेक्शन में। अब अगर मान लीजिए मैं उस पार्टिकल को यहां रख देता हूं, यहां बिल्कुल, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां एक्स एक्सिस में भी एग्जिस्ट कर रहा है, जेड एक्सिस में। तो इसको हम बोलते हैं क्या,
एक्स जेड प्लेन, यानी दो डाइमेंशंस को यानी दो एक्सिस को मिला करके जो हमारा क्या नाम है जो भी बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। अब वो कह रहा है कि कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी समझ जाना चाहिए कि सह प्लेनर यानी ऐसे वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे आपका वाई जेड प्लेन हो, चाहे जेड एक्स प्लेन हो, दो वेक्टर्स होने चाहिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। यानी यहां लिख देते हैं दोज वेक्टर्स विच लाइज इन प्लेन, यानी कौन कौन से प्लेन होते हैं बच्चों हमारे पास, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। तो क्या समझे कि दोज वेक्टर विच लाई इन प्लेन, यानी एक्स वाई में रहे या वाई जेड में या जेड एक्स में प्लेन में रहे, क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। तो देखते हैं, मैं डायग्राम बनाता हूं, समझते हैं। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये जो है आपकी वो वाई एक्सिस है, और ये जो है वो जेड एक्सिस है। अब अगर मैं मान लीजिए हम, चूंकि हम क्या नाम है, किसकी बात करें, प्लेन की, तो प्लेन का मतलब होता है दो डायमेंशन, तो हम जेड को है कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है, ये एक एक्स वाई प्लेन है इस तरह से। तो अगर मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर इस तरह से है, तो अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दोनों वेक्टर कहां है, एक्स और वाई में ही प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, कोलीनियर वेक्टर, यानी ऐसे वेक्टर जो लाइन में लाई करते हैं, यानी एक ही उनकी डायरेक्शन एक ही होती है। जैसे फिर से समझ लेते हैं, जैसे दो वेक्टर मान लीजिए ये हो गए, इनको कोलीनियर वेक्टर कहेंगे, क्या बोलेंगे इनको, कोलीनियर, क्यों, क्योंकि वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, लाई मतलब रहना, ठीक है। तो दोज वेक्टर्स विच लाइज इन सेम लाइन और पाथ, यानी एक ही लाइन पे या एक ही रास्ते पे लाए करते हैं, क्या कहलाते हैं, कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर। जैसे कि देखते हैं कैसे, मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए, और दूसरा भी वेक्टर इसी लाइन में है, इसका इनिशियल पॉइंट, इसका वी वेक्टर, तो इसी को हम बोलेंगे कोलीनियर वेक्टर। यानी इस तरह से दोनों वेक्टर कोलीनियर है, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन को, एक ही रास्ते को शेयर कर रहे हैं, इस तरह से एक्स एक्सिस को, एक ही जगह, तो इसको हम बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर, ठीक है बच्चों। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको सब थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा, और कल हम सीखेंगे वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्योंकि आपको पता है स्केलर क्वांटिटी जो होती है उन्हें हम नॉर्मल मैथमेटिक्स के द्वारा, नॉर्मल एलजेब्रा के द्वारा जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, उनको नॉर्मल एलजेब्रा से ड्राइव नहीं किया जा सकता। तो कल हम वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन जैसे सीखेंगे, ठीक है बच्चों। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू।